मैं आपसे दो तीन बातें कहना चाहता हूँ अपने दोस्त के बारे में। उसने जिंदगी में कभी आज तक सच नहीं बोला, वो हमेशा झूठ बोलता। हर बार कहता गऊ का मांस खाऊं अगर चुना लड़ू, गऊ का मांस खाऊं अगर पैसे खाऊं किसी से। अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे कह रहा था कि अगर मैं बीजेपी चुनाव लड़ूं मेरा लड़का लड़े। अब आप देखना 6 महीने बाद वो चुनाव भी लड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ नाजिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक राम सिंह नेता जी। आज हम उनसे कैंसर नामक जो ओजोन है उस पर बातचीत करेंगे, जिनसे जो हमारी देश की जनता है वो दिन प्रतिदिन जूझ रही है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि आप इतने सालों से ओजोन पर शांत क्यों थे? असली ओजोन की लड़ाई, शायद आप सबको मैं क्षेत्र के वासियों को कहना चाहता हूँ, ये ओजोन लगा इसकी कार्रवाई हुई 2005 में। क्योंकि जो हमारे मित्र हैं विधायक जो रहे थे पहले, उन्होंने जानबूझकर जो एमजीएफ को ज़मीन दिलवाई आली गांव की, उस ज़मीन में अपने लड़के को डायरेक्टर बनवाना चाहता था। उन लोगों ने उसको डायरेक्टर बनाया नहीं, इसने ऊपर मिलकर इसको ओजोन में धकेलने का काम किया। जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, मैं ऑन प्रूफ बता रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा, 2020 7 में 8वें महीने में इसको जवाब देना था। अगर ये जवाब दे देता तो ओजोन नहीं लगता, और इसी ने जानबूझ के ओजोन को लगवाया उन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, क्षेत्र के लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। ये सच्चाई है। जो हमारा मित्र कहता है कि मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, मैं कहता हूँ वो मेरे सामने आए और आमने सामने बैठ के बात करें कि ओजोन को किसने लाया और किसने लगवाया, और सबसे पहले कंप्लेंट किस व्यक्ति ने करी कि लोगों के मकान तुड़वाने। लोगों को तो पता ही नहीं था कि ओजोन लगा हुआ क्षेत्र में। इसी ने जब ये चुनाव हार गया, इसी ने कंप्लेंट शुरू करी। जब मैं विधायक बना उसके 1.5 साल तक कोई काम नहीं रुका, कॉलोनियों का सब मकान बना रहे थे, कोई मकान तोड़ने नहीं आया। इसी ने जानबूझ के कंप्लेंट करी कि ओजोन है, तब हमें पता लगा कि क्षेत्र में ओजोन लग गया है। हम माननीय मंत्री जी को मिले, पूरे क्षेत्र के लोग गए, उस टाइम भी ओजोन के ऊपर मंत्री जी ने ऑर्डर कर दिए थे, परंतु इसने जानबूझकर एनजीटीबी में ये ले गया मामले को। ये अपना मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है जिसके माध्यम से इसने पिटीशन डाल दी और वो मामला कोर्ट में चला गया, अन्य उसी टाइम ये ख़त्म हो गया था। सर, पूर्व विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने हमारे चैनल के माध्यम से कहा कि ओजोन उनके कार्यकाल में नहीं लगा। अगर ओजोन उनके कार्यकाल में लगा है, कोई इसे साबित कर देगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप क्या कहेंगे कि ओजोन उनके कार्यकाल में लगा या नहीं? मैं आपसे दो तीन बातें कहना चाहता हूँ अपने दोस्त के बारे में। उसने ज़िंदगी में कभी आज तक सच नहीं बोला, वो हमेशा झूठ बोलता। हर बार कहता गऊ का मांस खाऊं अगर चुनाव लड़ूं, गऊ का मांस खाऊं अगर पैसे खाऊं किसी से। अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे कह रहा था कि अगर मैं बीजेपी चुनाव लड़ूं मेरा लड़का लड़े। अब आप देखना 6 महीने बाद वो चुनाव भी लड़ेगा। उसकी बातों का कोई यकीन नहीं। मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, अगर वो भाई मेरे सामने आके साबित कर दे, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मैं ये मेरे पास चिट्ठी डीडीए की, जो उसको जवाब देना था उसने जवाब दिया नहीं और हम सब उसने लपेट दिए, जानबूझ के इसने शरारत करी है। सर, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं नारायण दत्त शर्मा जी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी पर एक आरोप लगाया है कि जैतपुर पार्ट 2 की जो एमजीएफ की जमीन है रामवीर सिंह बिधूड़ी ने घोटाला करके उस पर ओजोन लगाया है। असली घोटाला तो इसने बहुत बड़ा उसमें किया, इसने उसमें अरबों खरबों रुपए इसने कमाए उस मामले में, और उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनके साथ हम भी लपेट दिए ओजोन में। इसने ये जानबूझकर इसने सारा खेल खेला है कि ये जो एमजीएफ कंपनी वाले हैं वो घुटने टेकेंगे और मेरे लड़के को डायरेक्टर बना देंगे। इसके चक्कर में इसने सारे लोगों को बलि चढ़ा दिया। ये व्यक्ति सत्य कभी बोलता नहीं, और मेरी इसकी लड़ाई सिर्फ यही है कि कम से कम अब तो सच बोल, तेरी उम्र बहुत हो गई है। और वाकई में मैं कहता हूँ हमेशा रेडियो झूठिस्तान है, ये सच बोलता ही नहीं है कभी भी। सर, रामवीर सिंह बिधूड़ी ने हमारे चैनल के माध्यम से ये भी कहा कि वह और उनका परिवार अब बीजेपी के टिकट से कभी चुनाव नहीं लड़ेगा।
मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इसकी ज़ुबान का कोई यकीन नहीं। अगर किसी ने झूठी कसम खिलवानी है इसके पास चले जाओ, ये जिस मर्जी की झूठी कसम खा जाएगा। और इसने भगवान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है कि भगवान मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सर, हम के शुक्ला जी की बात करें, उन्होंने जो आपके द्वारा दिया गया एनटीपीसी पार्क है उसे कूड़ा घर बना दिया है। वहाँ पर जो जनता है, सांस लेना भी उनका दूभर हो गया है। वहाँ से उनका निकलना भी, वो निकलने को भी वहाँ से मजबूर हैं। वहाँ पर इतनी गंदगी है, वो गलत काम है। और ये पार्क मैंने छुटवाया था एनटीपीसी से कहकर कि लोग हमारे क्षेत्र के इसमें घूमें, उनके सुविधाएँ मिलें। परंतु शुक्ला ने ये जो काम कर रहा क्षेत्र के अंदर, सब लोगों को पता है कि उसने बड़ा बाजार लगा रखा है, माल बिक रहा है, लोगों की कंप्लेंट कर रहा है, लोगों के मकान तोड़वा रहा है। आधा हिस्सा एक्स एमएलए का है जो उसका गुरु है, और आधा उसका है। और भी तीन निगम पार्षद हैं, उनको कभी चेयरमैन नहीं बनवाया, उसको दोबारा भी चेयरमैन बनवा दिया, क्योंकि वो जो दिन में कमाता है 7 बजे उसके घर पैसे पहुँचा देता है। सर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल होकर विधायक के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, क्या ये अफवाहें सच हैं? मैं बता दूं आपके चैनल पे, मैं कांग्रेस की विचारधारा मेरी है, और 22 तारीख को हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। अभी मेरा ना किसी पार्टी में, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में हूँ मैं। अभी किसी पार्टी में मेरी किसी से कोई बात चुनाव की नहीं हुई है, ये सच्चाई है। अगर आप आने वाले समय में विधायक बनते हैं तो आप ओजोन के लिए और क्या क्या करेंगे, क्या वो हटेगा? ये साधारण सा मामला, अब ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं रहा, ये तो ट्रिब्यूनल कोर्ट में है। जब हमने इसको हटवा दिया था, अगर ये मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति को ना पेश करता रामवीर, तो ये ओजोन हम पे ख़त्म हो गया था। अब ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जैसे ही वहाँ से मामला निपटेगा, हम ओजोन में नहीं है, ओजोन पुश्ते के परे हैं, बाकायदा सर्वे होगा। ये फाइल पूरी टोटल ओजोन की मेरे पास है, जिसमें पूरा रिकॉर्ड है। हम जो पुश्ता से परली तरफ ओजोन है, उरली तरफ ओजोन नहीं, हम सब उससे बाहर हो जाएंगे। स्कूल यहाँ बने, हॉस्पिटल यहाँ बन रही है, उसके अलावा बिजली का दफ्तर यहाँ, थाना यहाँ बन गया, तो फिर ओजोन कहाँ रह गया? आपकी आने वाले समय में और क्या क्या रणनीति रहेंगी? मेरी रणनीति कुछ नहीं है, मेरे तो लोगों की सेवा करनी है। क्षेत्र के लोग जो कहेंगे मुझसे, 22 तारीख को एक पंचायत हम बुला रहे हैं कि भाई ऐसा आदमी फिर इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, जो कहता कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और फिर आ रहा है, वो हमारे क्षेत्र को फिर लूटेगा। अगर वो व्यक्ति बन जाता चुनाव जीत कर, तो ये काउंसलर लूट मचा देंगे, शुक्ला हारता दिन में खुलेआम पैसे की रेट बोली लगाएंगे, क्षेत्र को बर्बाद कर देंगे लोग ये। तो मैं तो अपील करता हूँ क्षेत्र के लोगों से कि समझो इनको, पार्टी कोई ख़राब नहीं होती, ख़राब उसका चुनाव प्रतिनिधि होता है जो चुनाव लड़ रहा होता है, ये मेरा कहना है। तो आपने जैसा कि देखा कि जो हमारे राम सिंह नेता जी हैं, उन्होंने कहा कि ओजोन उनके समय में नहीं लगा, उसका प्रस्ताव पहले ही पास हो गया था जब हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी यह हमारे क्षेत्र के विधायक थे, और उन्हीं के नेताओं ने यहाँ पर ओजोन लगवाया। उन्होंने एमजीएफ की ज़मीन में घोटाला करके अपने बेटे को डायरेक्टर बनाने के चक्कर में ये सारी रणनीति रची। तो अब देखना ये होगा इसके जवाब में आगे और क्या क्या कार्यवाही होती है, और हमारे जो रामवीर सिंह नेता जी हैं वो इस पर अपनी और क्या प्रतिक्रियाएँ देते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।